हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैटेलाइट क्या होते हैं और ये सैटेलाइट बेसिकली कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, ये हवा में कैसे टिके रहते हैं, हम टीवी देख रहे हो या टीवी पर वेदर फोरकास्टिंग देख रहे हो या अपने मोबाइल में हम जीपीएस नेविगेशन यूज़ कर रहे हो या कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो। स्टूडेंट, इन सब में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बहुत बड़ी रोल होती है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, सो बेसिकली सैटेलाइट क्या है? सो अ सैटेलाइट इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ओके, जैसे हमारी अर्थ के चारों ओर मून रोटेट करता है, वैसे ही ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं बट वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो सैटेलाइट भी हमारे पर्पज स्पेसिफिक होते हैं कि पर्टिकुलर हम किस पर्पज के लिए कौन सा सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए, एक ये फोटो है कि सैटेलाइट देखिए होता कैसे है। ये है हमारा सैटेलाइट, सैटेलाइट किसी सैटेलाइट का एक ऐसे ही एक फोटो है आपको समझने के लिए। देखिए, सैटेलाइट में दोनों तरफ क्या होता है कि सोलर पैनल होते हैं जिससे इसको बिजली यानी एनर्जी मिलती रहती है। ओके, और इसके बीच में ये जो गोला वाला भाग है, ये यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले भाग को? ट्रांसपोंडर। अब इसको हम ट्रांसपोंडर क्यों बोलते हैं, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ओके, और इसमें कुछ कंट्रोल मोटर्स भी होती है यहाँ इस साइड में, जिसकी हेल्प से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल करते रहते हैं। इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, इसके रोटेशन एंगल को हम चेंज कर सकते हैं रिमोटली। और जैसा कि मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया कि ये जो हमारा सैटेलाइट होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर ये फोटो स्कैनिंग के लिए डिजाइन किया गया था, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के इसमें कैमरे लगे होंगे, या अगर इसमें कम्युनिकेशन या स्कैनिंग के लिए डिजाइन किया गया है तो इसमें हाई क्वालिटी का स्कैनर यूज हुआ होगा। तो इस तरीके से जिस पर्पस के लिए ये बनाया जाता है उस तरीके के ऑब्जेक्ट आपको सेटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है कि ये सेटेलाइट हवा में टिके कैसे रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये अर्थ के चारों ओर रोटेट तो कर रहे हैं बट ये गिरते क्यों नहीं है। इसका रीजन ये है कि जैसे स्टूडेंट सिंपल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में अगर रहना है तो उसे एक कांस्टेंट स्पीड से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड उसे रोटेट करते रहना होगा। ठीक है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ये जैसे
अगर यहाँ पर कोई हमारा सैटेलाइट है उसको अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में हम प्लेस कर रहे हैं, तो उसको एक कांस्टेंट स्पीड से उस ऑर्बिट में रोटेट करते ही रहना होगा, कॉन्टिन्यूअस अराउंड दी अर्थ। ओके, तब तो वो उसके चारों तरफ रोटेट करता रहेगा। अगर वो अपनी स्पीड उस कांस्टेंट स्पीड से कम स्पीड से रोटेट करेगा तो वो उसी टाइम पे अर्थ पर गिर जाएगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रोटेट करते हुए गिरते क्यों नहीं है। तो इसी प्रिंसिपल को के बेस मानते हुए हमने अर्थ के जो चारों अर्थ के अराउंड जो हमारे ऑर्बिट्स हैं उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ओके, हम इनमें से किसी एक अपने एप्लीकेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी भी ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। अब ये होते क्या हैं, ये जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं ये हमारे अर्थ से नियर अबाउट 1600 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, ये चूंकि अर्थ से काफी पास के डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा लगेगा सैटेलाइट पर उसको अपनी ओर खींचने के लिए। तो इसीलिए इस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं वो बहुत ही काफी तेजी से इस अर्थ के चारों ओर रोटेट करते हैं, यानी वो इतनी तेजी से रोटेट करते हैं कि वो एक दिन में कई बार इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देते हैं। ओके, एंड लो अर्थ ऑर्बिट में मेनली हम लोग जो सैटेलाइट प्लेस करते हैं वो हम लोग इमेजिंग और स्कैनिंग पर्पस के लिए जो भी सैटेलाइट मेनली यूज करते हैं उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमारा अर्थ सरफेस से नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक का रेंज जो होता है वो हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो सैटेलाइट हम इसमें प्लेस करते हैं ये भी एक कांस्टेंट स्पीड से ही अर्थ के अराउंड घूमता है, लेकिन चूंकि ये अर्थ से थोड़ा दूर है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम लगता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है जो उसको कॉन्टिन्यूस अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए ये उतना तेजी से तो नहीं रोटेट करता जितना सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जितनी तेजी से रोटेट कर रहे हैं, ये उससे थोड़ा कम स्पीड से रोटेट करता है। ओके, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो हमारे सैटेलाइट होते हैं ये मेनली हम लोग जो नेविगेशन पर्पस के लिए सैटेलाइट यूज करते हैं वो हमारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम लोग प्लेस करते हैं। ओके, थर्ड जो होते हैं हमारे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो हमारा अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर अबव होता है। तो ये जो ऑर्बिट है हमारी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, एंड यहाँ पर जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो उसी स्पीड से रोटेट करते हैं अर्थ के अराउंड जिस स्पीड से हमारी अर्थ खुद रोटेट कर रही है, यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर हम किसी अर्थ पर कहीं खड़े हैं किसी पॉइंट पर और उस समय किसी सैटेलाइट की पोजीशन जो थी वो एग्जैक्ट हमारे ऊपर थी, तो आज से 10 दिन बाद भी अगर हम उसी पॉइंट पर वहीं पर खड़े हैं तो सैटेलाइट की पोजीशन भी उसी पॉइंट पर बनी रहेगी, क्योंकि हम यानी अर्थ और सैटेलाइट दोनों सेम
स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो उनकी 10 दिन बाद भी उनकी पोजीशन एग्जैक्ट सेम रहेगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो हमारे सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं, वो मेनली कम्युनिकेशन पर्पस के जो भी सैटेलाइट होते हैं, वो हमारे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। ओके। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है और ये हमारी अर्थ है। सो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के किसी पॉइंट पर अगर से कोई सैटेलाइट है, तो वो हमारी अर्थ का 42.2% एरिया को कवर करता है, यानी उसकी जो कम्युनिकेशन रेंज होगी वो अर्थ के 42.2% एरिया को कवर कर रही होगी। यानी अगर हमको थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस पूरी अर्थ को कवर करना है, तो हमें मिनिमम 3 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि जैसे एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, तो वो इतना पोर्शन कवर कर रहा है। सेकंड हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में इतने रिमेनिंग पोर्शन कवर किया, और थर्ड सैटेलाइट ने इतना रिमेनिंग पोर्शन कवर किया। तो यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारा पूरी अर्थ सरफेस कवर हो जा रहा है थ्रू 3 सैटेलाइट इन प्लेस्ड इन जो हमारे प्लेस हैं किसमें, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। ओके। सो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमारा सैटेलाइट है, और यहाँ पर ये एक जो गोला वाला भाग है जो सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, इसको हम लोग ट्रांसपोंडर बोलते हैं। मैंने कहा था अभी इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे एक देखिए फिगर बना हुआ है, इसको देखिए। ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक डायग्राम है। ठीक है। यहाँ पर ये जो है, ये है हमारा अर्थ स्टेशन है, यहाँ पे एक अर्थ स्टेशन यहाँ पर है, दूसरा अर्थ स्टेशन यहाँ पर है। ओके। ये हमारा सैटेलाइट है जो किसी अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। ओके। अब यहाँ से इस अर्थ स्टेशन, अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अर्थ स्टेशन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अर्थ स्टेशन होते हैं वो स्पेशली ऐसे स्टेशन होते हैं जो मेनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, यानी इस स्टेशन पर वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी फैसिलिटी प्री इंस्टॉल्ड है, अवेलेबल है, जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट से। ओके। इसीलिए इनको बोलते हैं अर्थ स्टेशन। सो ये जो अर्थ स्टेशन है, ये देखिए जब सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसके पास, सैटेलाइट के, तो उसको हम बोलते हैं अपलिंक। देखिए जब सिग्नल हमारा अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के पास भेजा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपलिंक। ओके। और जब वही सिग्नल रीजनरेट रिपीटर के थ्रू उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके एंड उसको दूसरे फ्रिक्वेंसी बैंड पर शिफ्ट करके जब वापस अर्थ स्टेशन पर या किसी दूसरे अर्थ स्टेशन पर भेजा जाता है, तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डाउनलिंक। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ट्रांसपोंडर
का काम ट्रांसपोंडर क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, जनरली ये भी सिग्नल को रिसीव कर रहा है एंड ट्रांसमिट कर रहा है। सिग्नल को उसने रिसीव किया अर्थ स्टेशन से, तो जाहिर सी बात है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ डिग्रेड हो गई हो, उसमें कुछ नॉइस ऐड हो गई हो, तो सिग्नल को प्रॉपरली उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ट्रांसपोंडर करता है वो क्या है कि जो हम जैसे अपलिंक में जो भी सिग्नल, सपोज हमने यहाँ से 5 GHz फ्रिक्वेंसी पर ये सिग्नल को हमने यहाँ से अपलिंक किया सेटेलाइट के पास, अभी अब क्या है कि ट्रांसपोंडर अब इसको 5 GHz पर ही डाउनलिंक नहीं करेगा, ये इसकी फ्रिक्वेंसी बैंड को ही चेंज कर देगा। जैसे ये अपलिंक था हमारा 5 GHz, तो ये डाउनलिंक करेगा किसने पे, मे बी 9 GHz पे डाउनलिंक कर दे या 11 GHz पे डाउनलिंक करे। यानी ट्रांसपोंडर क्या करता है कि जो हमारी अपलिंक फ्रिक्वेंसी थी उससे डिफर करके ही डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर हमारे सिग्नल को वापस अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिट करता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको अपलिंक, डाउनलिंक, अर्थ स्टेशन, ट्रांसपोंडर, ये सारी चीज़ें और ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे वर्क कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारी क्वेरी है वो अर्थ स्टेशन के थ्रू सेटेलाइट से पास जाती है एंड सेटेलाइट से वापस किसी दूसरे अर्थ स्टेशन से होते हुए हमारे यूजर तक जाती है। तो ये है हमारा पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वर्किंग। सो स्टूडेंट्स, अब इसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, वॉइस कम्युनिकेशन में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, हम लोग लाइव मैच टेलीकास्ट देखते हैं, वो सब सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। आज इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। जीपीएस नेविगेशन एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग एंड स्टूडेंट बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको डेली यूज़ करते हैं एंड उसको अपने पर्पस के लिए अप्लाई भी करते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बहुत सारे यूज़ अभी हम लोग कर रहे हैं, आने वाले इसकी और भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। आई होप स्टूडेंट आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी वर्किंग एंड उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।